पंजाब की सभी 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होने जा रहा है। इस बार चुनाव में खडूर साहिब लोकसभा सीट से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है, जिसके चलते वहां चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। अमृतपाल की कैंपेन को देखें तो समर्थकों ने अपने ऑफिस में भिंडरावाला के पोस्टर लगा रखे हैं। उन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें ड्रग्स कल्चर को खत्म करने, बंदी सिखों की रिहाई और बेअदबी के मामलों में न्याय जैसे वादे किए गए हैं। अमृतपाल सिंह के गांव जल्लूपुरा खेड़ा में उसके पिता और माँ अमृतपाल के लिए प्रचार कर रहे हैं। अमृतपाल के पिता का कहना है कि मेरा बेटा ड्रग्स माफिया से लड़ रहा था, उसने पंथ और आनंदपुर प्रस्ताव की बात की, ये सब सरकार और ड्रग्स माफिया की मिलीभगत है। आपको बता दें कि खडूर साहिब लोकसभा सीट के तहत अमृतसर, तरन तारण और पाटी क्षेत्र आता है। ये वही इलाके हैं जहां खालिस्तान की मांग करने वाले जनरल सिंह भिंडरावाला का गहरा प्रभाव रहा है। कहा जाता है कि भिंडरावाला के साथ खालिस्तानी उग्रवाद में कूदे तमाम लोग यहीं के थे। वैसे भी खडूर साहिब सिख बहुल सीट है और लंबे अरसे से यहां धार्मिक मुद्दों पर चुनाव होता रहा है। इस सीट का दायरा माझा, मालवा और दुआबा तीनों क्षेत्रों तक है। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता और खालिस्तानी समर्थक सिमरनजीत सिंह मान ने भी अमृतपाल सिंह के समर्थन में अपने पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से कुलबीर सिंह जीरा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने यहां से मनजीत सिंह मियां विंड को उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।